और पेट्रोल की लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर जनता जहां परेशान है, वहीं सत्ताधारी दल के नेताओं के आम जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर अलग ही बयान देखने को और सुनने को मिल रहे हैं। अब मध्य प्रदेश सरकार में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश अखलेचा ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर तर्क दिया है। अगर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाए तो काफी हद तक पेट्रोल के दामों को नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने हवाला दिया, भारत के अलावा कई देश पेट्रोल में एथेनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनके यहाँ पेट्रोल की कीमतें नियंत्रण में हैं। हमारे देश में कभी इस विषय में सोचा नहीं गया, इस कारण अब तक पेट्रोल की कीमतें उछाल मारती रही हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ने के पीछे अगर आपने बहुत बारीकी से कभी सुना हो तो मोदी जी ने कमेंट दिया था कि पूरी दुनिया में 30% पेट्रोल डीजल में इथेनॉल मिलाया जाता है। भारत में वो सब प्रक्रिया नहीं हुई थी समय रहते हुए। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर बहुत तेज़ी से काम किया है और अभी हम 20%, अभी 8% है, 20% मिलाएंगे तो हमारी कॉस्ट एकदम ड्रॉप आउट होगी। हमारी कॉस्ट ड्रॉप आउट होगी तो बेनिफिट होगा। कहीं ना कहीं ये बैलेंस तो करना ही पड़ेगा कि कहीं से रेवेन्यू आए और कहीं पे हम विकास करें। तो अब हम इसको 30% तक अगले 3 साल में ले जाएंगे तो हमारी इंपोर्ट का बिल कम होगा, फॉरेक्स का बिल कम होगा। तो इट इट इज़ नॉट इन वन डे टाइम, इट टेक इट्स ऑन टाइम।